अस्सलामुअलैकुम जी, डॉक्टर हसीब बात कर रहा हूँ और अभी मैं हशाम भाई के साथ अवेलेबल हूँ, जो कि माशाल्लाह जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेडिकल इमरजेंसी और सर्जिकल इमरजेंसी डील करने का। तो अभी रिसेंट ना एक बिल्कुल यंग लड़का था जो कि वीट पिल्स खा के इमरजेंसी में प्रेजेंट हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उसको हॉस्पिटल पहुँचने में थोड़ी देर हो गई, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गया। तो इसी बेस पे मैं हॉस्पिटल बैठा था, श्याम भाई के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो श्याम भाई से डिस्कस किया जाए कि जो ये अगर कोई वीट पिल्स खा ले तो उसका फौरी तौर पे घर पे क्या इलाज किया जा सकता है और घर पे अगर इलाज नहीं किया जा सकता तो फौरी तौर पे किसी भी पेशेंट को क्या करना चाहिए या फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए। ये वीडियो मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी जो कि पेरिफेरी में जॉब कर रहे हैं कि वो पेशेंट को किस तरह अटेंड कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो श्याम भाई से सुनते हैं कि हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं इस तरह के पेशेंट को। थैंक यू सी। वो ये चीज़ है कि अगर कोई वीट पील्स खा लेता है तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, को वाइटली मॉनिटर करना चाहिए। और ये बताइएगा कि जिस तरह हर चीज का एंटीडोट होता है, तो जो ये वीट पील्स हैं इनके एंटीडोट के बारे में गाइड करें कि एंटीडोट कौन सा दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसकी एंटीडॉट कोई एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों? एज पॉसिबल जैसे ही किसी के पास जाता है उसे वोमिट करवा के उसके टेबलेट्स बाहर आते हैं और उसे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए। हॉस्पिटल और गैस्ट्रिक लवाज, अगर आप मैदा साफ करना है तो किस तरीके से मैदा साफ करें ताकि इस गोलियों का जो असर है हम उसको माइनस कर सकें। सबसे पहले इसको एनजी पास करके उसका गैस्ट्रिक लवाज, जिसे कहते हैं मैदा वाश करना, वो करना चाहिए कि जितना उसके अंदर कॉन्टेंट गया हुआ है वो बाहर आ जाए। और साथ ही पेशेंट को आपके पास आया, आपने उसको मतलब वोमिटिंग करवा ली अगर होगी, उसके बाद गैस्ट्रिक लवाज करवा लिया, गैस्ट्रिक लवाज करवा लिया, उसके बाद ना फ्लूइड्स के बारे में गाइड कर दें, फ्लूइड और एंटीबायोटिक के हवाले से भी उसका क्या करना है। फ्लूइड्स के लिए ये होना चाहिए कि पेशेंट को डबल आईवी लाइन पास करके, जैसे नॉर्मली इमरजेंसी के अंदर करते हैं, कोई भी पेशेंट आता है उसको क्रिटिकल केयर के लिए डबल आईवी लाइन पास करके एक तरफ फ्लूइड्स चलने चाहिए और दूसरी तरफ पेशेंट को, अगर पेशेंट के वाइटल साइंस और बाकी सारी चीज़ें थोड़ी बहुत एग्जिस्ट कर रही हैं तो एक तरफ उसको कार्डियक स्पोर्ट, आइनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक जो स्पोर्ट होती है वो नॉरपीन, एट्रोपीन, डोपामीन वगैरह ये शुरू करनी चाहिए। साथ में उसे एक्सेसिव फ्लूइड्स देने चाहिए क्योंकि पेशेंट हाइपरटेंशन के अंदर जाता है, फ्लूइड से और बाकी चीज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ठीक हो सकती हैं। और अगर पेशेंट सर्वाइव कर रहा है, उसके वाइटल्स और बाकी सारी चीज़ें अच्छी आ रही हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे उसको, ऑक्सीजन देंगे उसके बाद उसको फ्लूइड्स देंगे, फ्लूइड्स के अंदर हीमासिल यूज़ कर सकते हैं, डेक्सट्रोज वाटर यूज़ कर सकते हैं, डेक्सट्रोज स्लाइन यूज़ कर सकते हैं, वो एक एक्सीलेंट चॉइस है। उसके बाद पेशेंट की रेस्पिरेटरी वाइटल्स मैनेज करने के लिए उसको ऑक्सीजन लगा सकते हैं, पेशेंट रेस्पिरेटरी ओसिलोसिस में जाता है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है इसमें।